हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि भिन्नों का गुणा यानी कि भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। तो यहां पर आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगी जिससे कि आपको भिन्नों का गुणा करना आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, 15/24 इंटू में 35/14। तो अब इसमें जो भिन्नों का गुणा होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हमें इसको छोटा करना होता है, छोटा मतलब इसको काटना होता है। अब काटेंगे कैसे, तो हम ऊपर को ऊपर से नहीं काट सकते और नीचे इसको नीचे से नहीं काट सकते, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। अब काटना कैसे है, ऊपर को नीचे से काटना या हम तिरछा काट सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है 15 और 24, अब हमें देखना है कि कौन से नंबर से कटते हैं। तो 15 और 24 दोनों तीन से कटते हैं, थ्री की टेबल में आते हैं, तो इसको हम काट देंगे 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। हमें सेम नंबर से ऊपर और नीचे काटना होता है। अब यहाँ पर 35 और 14 है, तो ये दोनों 7 की टेबल में आते हैं, 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14। अब देखेंगे क्या आपस में कटते हैं, 5 5 8 2 तो कोई नहीं कटता। उसके बाद हम क्या करना, ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे को नीचे से गुना करेंगे। तो 5 की 5 से गुना करेंगे तो ये अगर 25 और 8 की 2 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, 21/14 × 16/10। अब ये यहाँ पर देखो 21 और 14 दोनों 7 की टेबल में आते हैं, तो इसको हम 7 से काट सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी काट सकते हैं। 14 और 16 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, इसको हम 2 से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 7 से काट दिया, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। अब यहाँ पर 16 10 3 2 16 जो हम तिरछा भी काट सकते हैं, तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16। अब यहाँ पर 8 और 10 ये हम 2 से काट सकते हैं, 2 5 जा 10 2 4 जा 8, 2 8 2 5 10। अब हमें 3 की 4 से मल्टीप्लाई करनी और 1 की 5 से मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि अब नहीं कटता, जहां तक कटता हमें काटना है और जब बच जाएगा उसको हमें क्या करना, मल्टीप्लाई। तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या गया, 12, और 1 को 5 से करेंगे तो 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एक सम और ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। 15/25 × 24/12। ठीक है, इसको हमें काटेंगे कैसे, ये 5 की टेबल में करता है, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब 24 और 12 इसको हम इस तरह से भी काट सकते हैं, 12 1 12 2 24, या फिर 4 से काट सकते हैं, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। अब हमने क्या करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करनी है और 5 को 1 से, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5। ठीक है, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।